तो ये फिश अभी तक जिंदा है, देख सकते हो। ओह कैसे कर रही, देख सकते हो कैसे भाग रहा है, अभी वो भी कटने वाला है। देख सकते हो ये टीवी यूनिट जो मैंने पिछली बार अब एक इसका इंस्टॉलमेंट का वीडियो भी बनाया था, जो मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है, और इसका अगर तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो आप लोग जाके देख सकते हो। तो इस चीज़ को जो बंदा आया था फ्लिपकार्ट से इंस्टॉल करने के लिए, तो उसे देखने से ही, मतलब जब वो आया इंटर किया घर में इंस्टॉल करने के लिए, आप लोगों को वीडियो में पता चलेगा, तो उसको देख के ही मुझे लग रहा था कि ये बंदा बराबर नहीं, मतलब नया लग रहा था, और उसने वैसा ही किया जैसा मुझे डर लग रहा था। तो इस चीज़ को उसने इंस्टॉल बराबर नहीं किया, तो मैं आप लोगों को वही इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो गाइस आप लोग देख सकते हो, जब मैं ये दो दिन में यहाँ पे मेरी जो चीज़ें जो रखनी थी वो रखने के लिए गया था, तो देख सकते हैं यहाँ पे उसने जो स्क्रू मारा है खिल्ला ड्रिल मशीन से, तो वो बराबर से नहीं किया इसने, तो इतना है। तो गाइस और दूसरी बात ये है, ये वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि देखो इंडिया में हमारे कम से कम 100% में से 80% लोग ऑनलाइन चीज़ें बाय करते, जैसे कि फर्नीचर टीवी हो, तो इन चीज़ों के लिए ना एक उनका एक एग्जीक्यूटिव रहता है इंस्टॉलमेंट करने के लिए, बंदा आता है। तो मैं वीडियो बनाने का रीज़न यही है, अगर आप में से भी कोई कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करते हो तो उन लोगों के ऊपर ध्यान रखो और अपनी चीज़ बराबर से इंस्टॉल करके लो, बस इतना ही बताना था। हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस कैसे सर, मस्त बढ़िया, अपुन भी बोले तो एक नंबर। तो गाइस दो तीन दिन से बहुत बारिश हो रही है, और वैसे भी आज संडे है, तो आज मेरा फिश खाने का बहुत मन कर रहा है, तो आज मेरा मेनू है मर्स कीपर फिश और चिकन। तो ये दो मेनू है, दो मेनू इसलिए है क्योंकि मर्स कीपर फिश स्नेहा खाती नहीं, वो बस मैं और सानू ही खाते हैं, और इसके लिए स्नेहा के लिए चिकन लाया है। तो चलो दिखाते हैं मर्स कीपर क्या फिश है, वैसे भी दिखने में बहुत डेंजर है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये जो कुक्कू है अभी इतना फ्रेंडली हुआ है ना, बहुत गई, जब इसको लाया था ना पास में आ ही नहीं रहा था, अभी उसके छोड़ के ही नहीं जा रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें मर्स कीपर फिश, तो मैंने ये सुबह लाया था और फ्रिज में रखा था। तो गाइस देख सकते हो दिखने में डेंजर है ना गाइस, उतने खाने में बहुत टेस्टी। गाइस एक बार आप लोग खाओगे ना तो आप लोग ना बार बार मतलब खाने का मन करेगा, इतनी टेस्टी रहती है। तो इसको ना ज़्यादातर हम लोग ना फ्राई करके ही खा लेते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसको फ्राई कैसे कर सकते हैं। और आप लोग को ये फ्रूट्स दिखते होंगे, आप लोगों को लगता होगा कि मैंने दिखाने के लिए बड़ा ओपन, तो ऐसा कुछ नहीं गाइस, ये बस मैंने मार्केट में से सुबह लाए थे, तो इसको धो के यहाँ पे रखा है। वैसे आप लोगों को पता है कोरोना वायरस बहुत चल रहा है, इसलिए इसको अच्छे से धो के रखे। अगर आप लोग भी कुछ बाहर से चीज़ें लाते हो, फ्रूट्स वगैरह कुछ भी बाहर से चीज़ें शॉपिंग करके, या आप बाहर से आते हो तो चीज़ों को बाहर से फ्रूट्स लाते हो, तो उसको वॉश करो अच्छे से, सैनिटाइजर करो, अगर आपके पास सैनिटाइजर नहीं रहेगा तो आप नॉर्मल पानी से भी उसको धो के रख सकते हो। मैंने भी अभी फिलहाल ये नॉर्मल पानी से ही धो के रखे, इससे हम सेफ रह सकते हैं और हमारी फैमिली भी सेफ रह सकती है। तो गाइस जैसे कि आप लोग अभी देख सकते हो इन मर्स कीपर फिश को मैंने काटने को लिया था, और मैंने ये फिश लाया था सुबह के 11:30 बजे, और जैसे मैंने लाया और मैंने फ्रिज में रखा था, तो इंटरेस्टिंग चीज़ है आप लोग देखने के लिए ये है कि ये फिश कितना डेंजर है, इतने घंटे और अभी टाइम हुआ है 7 बजे, तो आप लोग देख सकते हो 7 बज गए हैं, तो ये फिश अभी तक जिंदा है, देख सकते हो। ओ कैसे कर रहे हैं, देखो देख सकते हो कितने डेंजर फिश है गाइस, एक बार मैं आप लोगों को दिखा, तो ये देखो ये भी ये वाला भी। गाइस देख सकते हैं फिश पूरा साफ करके हो चुका है, और अभी एक ही बचा है वो भी जिंदा,
देख सकते हैं कैसे भाग रहा है, अभी वो भी कटने वाला है। सालू कैसी बनी है? ये देखो मार्सकीपर। कैसी बनी? अरे कुक को भी चाहिए। अरे खाने दो ना। नहीं वो बीमार पड़ जाएगा, मत खाएगा। तो इधर ही बैठ, तेरी यही जगह है, इधर बैठ एक काम। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं अभी फिश रेडी है, अभी ट्राई करें। अच्छी बनी है ना सालू? सही गाइस, मस्त। और खाने में चिकन भी है। तो बस आज के ब्लॉग में इतना ही। आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो इस ब्लॉग को कर दीजिए लाइक, चैनल पे नए होंगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा।